झारखंड का साहिबगंज जिला खनिज संपदा का खजाना माना जाता है। यहां मुख्य तौर पर पत्थर का खनन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके बदले राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि पत्थर माफिया राजस्व की चोरी हेतु नए नए हथकंडे अपनाकर सरकार के राजस्व में करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है, जिसका एक उदाहरण जिले के समदा घाट और मदनशाही घाट में अवैध तरीके से इनामों के जरिए पत्थर की ढुलाई की जा रही है। पुलिस ऐसे गौरख धंधा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई भी करती है, परंतु माफियाओं में इतनी हिम्मत आ चुकी है, जिस दिन छापेमारी होती है फिर अगले दिन से फिर उसी कार्य में लग जाते हैं। इससे कौन ही न कौन ही साफ जाहिर होता है कि इस गोरख धंधे में खादी और खाकी का हाथ भी शामिल है, जिससे इन माफियाओं को कोई डर भय नहीं है। रात के अंधेरे और सुबह में पत्थर माफियाओं के द्वारा हजारों टन पत्थर को नाव पर लोड कर बिहार पश्चिम बंगाल के लिए भेज दिया जाता है, जिससे माफियाओं सरकार को करोड़ों का चुना लगाकर खुद करोड़ों रुपए अर्जित कर रहे हैं। प्रशासन को इस ओर लगातार छापेमारी अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं इस मामले को लेकर जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि नाव से अवैध रूप से पत्थर ढुलाई का मामला आए दिन सामने आते रहता है, जिसे लेकर जिले में टास्क फोर्स गठित कर छापेमारी कर क्यों को जेल भी भेजा जा चुका है। अगर इस तरह का मामला फिर संज्ञान में आया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। समदा सर, अभी नाव का सर परिचालन जारी है सर, इसमें सर क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी हम ऐसी तो कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है। हम लोगों ने टास्क फोर्स और जिला परिवहन टास्क फोर्स के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी और मैंने स्वयं दो दिन पहले वहाँ पे अभियान चलाए थे। अभियान में किसी तरह का कुछ नहीं पाया गया। पानी गंगा जी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस तरह से। उसके बाद हम लोगों ने खुद अभियान चलाकर 10 गाड़ियाँ भी पकड़ी हैं अन्य जगहों पर। इस तरह से अभी तो वहाँ पे किसी तरह का काम नहीं हो रहा, फिर भी उस पर निगरानी बनाए हैं कि किसी भी जिला भर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई अवैध खनन परिवहन नहीं होने दिया जाएगा। जो भी संज्ञान में आएगा या जाँच के दौरान पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।